किसी इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद उसके अपनों की इच्छा यही होती है कि वो अपनों का अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को अपने हाथों से विसर्जित करें। लेकिन लॉकडाउन के चलते हरियाणा के सिरसा में बहुत से लोगों का ये अरमान सिर्फ एक ख्याल बनकर रह गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपनों की अस्थियों को लेकर हरिद्वार उन्हें विसर्जित करने नहीं जा पा रहे हैं। सीमाएं सील होने के चलते लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 13 दिनों में सिरसा में 130 लोगों की मौत हुई है और शिवपुरी में अस्थियां रखने के कमरे में अब जगह कम पड़ गई है। शिवपुरी में संस्कार करवाने वाले आचार्य भागीरथ का कहना है कि लॉकडाउन के चलते लोग हरिद्वार नहीं जा पा रहे हैं और वहां काफी संख्या में अस्थियां जमा हो गई हैं। उनके रखने की जगह कम पड़ गई है और फिर भी उन्हें रखने की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को टोकन भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोनीपत के विभिन्न शमशान घाट में करीब 68 अस्थियों को लाकर रखा गया है। लॉकडाउन के बाद उन्हें हरिद्वार या फिर गड़गंगा आदि ले जाकर विसर्जित किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क।